लोक वन में राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर के डीग में लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं। ना मास्क का उपयोग किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। वहीं बैंकों और ई मित्र केंद्रों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सोन सिंह नरुका ने दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काटे, साथ ही लोगों से कोरोना बचाव की अपील भी की। आपको विदित है, आज अनलॉक वन शुरू होने के पश्चात लोगों को कोरोना महामारी के प्रति थोड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इसी लापरवाही को देखते हुए आज डीग के बाजारों में कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं उनकी भी, और जो लोग बिना मास्क के बाजार में इधर उधर घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी बिना मास्क के बाजार में नहीं घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना महामारी के जो भी एडवाइजरी जारी की हुई है उनका पालन करें।